नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। अभी रेस 3 मूवी आप देख के आए सलमान खान की, ये ईद के मुबारक मौके पे कैसी लगी मूवी आप? पहले तो मेरे सभी भाइयों को ईद मुबारक। और ये मूवी बहुत ही एक हिस्टोरिकल मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है ये। और इसकी एंडिंग जो है मेरे को थोड़ी सी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसने उसमें लास्ट में ये बोला कि अब हम अगले मूवी में फिर से आएंगे, यही तो ये एक मेरे को थोड़ा सा एंडिंग पार्ट इसका मतलब वो लगा। बाकी फर्स्ट क्या लगता है बॉक्स ऑफिस किस तरीके से जाएगी? जिस मूवी को मैंने रेस 2 में देखा, रेस 1 में देखा, उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये मूवी मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं, तो इसको मैं 2.5 रेट करना चाहूँगा इस मूवी को, इसे ज़्यादा नहीं। इसमें अनिल कपूर भी है, उनका कैसे लगा? अनिल कपूर का किरदार थोड़ा सही लगा, पर जो रेस का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था पहले से, रेस 1 रेस 2 का, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो मूवी उतनी अच्छी लगी नहीं मुझे। टोटल ये फैमिली ड्रामा है, एक टोटल फैमिली बेस्ड ये मूवी है। और ये तो है कि जो जैसा पहले वाली जो मूवी थी उससे कुछ डिफरेंट है, उससे डिफरेंट, बिल्कुल पूरी डिफरेंट है। वो सब मूवी बहुत अच्छी थी। वो सब कोई ऐसा डायलॉग या कुछ आपको क्या बढ़िया लगा? मेरे को इसकी रेटिंग जो देनी है वो पूरी 4 की 4 दूंगा मैं इसको। फिर भी मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी सलमान खान की, बहुत अच्छी मूवी, एंटरटेनिंग है, मतलब हंसी भी और लड़ाई भी है। पहले वाली जो मूवी है उससे कुछ डिफरेंट है ये वाली? हाँ, सलमान खान है तो डिफरेंट तो। सलमान खान सिकंदर बने, सिकंदर कैसा लगा? जबरदस्त था। और अनिल कपूर का इसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस लगा? विलेन वाला है, रॉकिंग है। क्या उम्मीद करते हैं बॉक्स ऑफिस से, किस तरीके धमाल मचाएगी? अच्छी है, पहले वाले से बहुत डिफरेंट है, उसमें अनिल कपूर का पॉजिटिव रोल था। सल्लू एक सिकंदर बना, सिकंदर कैसा लगा? वो उसकी तो बॉडी सब कुछ अच्छा रहा। अच्छा, अभी क्या उम्मीद करते हैं बॉक्स ऑफिस से, किस तरीके की धमाल मचाएगी? अच्छा रिजल्ट आएगा, देखते हैं कितने आएगी। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोग को मूवी देखनी चाहिए। ईद स्पेशल है मूवी, अभी ईद भी है, तो क्या कहना चाहेंगे ईद पे? सब अपनी मूवी देखनी चाहिए सबको, यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। जेके न्यूज की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेके न्यूज़।